बेतिया नगर के एलेनजा एस्क्यूट का रोशन किया विशाल ने। एस्क्यूट ने छात्र विशाल पांडे ने आईआईटी जी की परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में 23वां स्थान लाकर जहां पूरे जिले में अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। बुधवार को इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कुंदन कुमार पाठक की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमे विशाल को माला पहनाते हुए मिष्ठान खिलाया गया। अपने संबोधन में सफल छात्र विशाल पांडे ने बताया कि जो अपने अतीत को भूल जाता है वह कभी इतिहास नहीं बना पाता। उसने अपनी सफलता का पूरा देन कुंदन कुमार पाठक रजनीश कुमार मिश्रा संदेश पांडे के साथ अन्य गुरुजनों को भी दिया। वहीं विशाल ने अभी बताया कि जब तक वह यहां पर है तब तक उक्त कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निशुल्क देने के साथ सफलता का गुरूर भी सिखाएगा। वहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया कि उनके संस्थान में कक्षा 6 से ही बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ आईआईटी जी मेडिकल नेट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी सस्ते दर पर कराई जाती है और उसके लिए नागालैंड दिल्ली महाराष्ट्र इत्यादि नगरों में ख्याति प्राप्त शिक्षकों के मार्गदर्शन में सफल संचालन किया जाता है। मौके पर डॉक्टर कुंदन वर्मा डॉक्टर विकास सुनील कुमार आकाश सरंजन कुमार संजना कुमारी सुधाकर सर गुलशन पाठक और सभी गणमान शिक्षा प्रेमी तथा कोचिंग के शिक्षक मौजूद रहे। एलेंजा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं, मेरा नाम कुंदन कुमार पाठक हुआ। एलेंजा इंस्टीट्यूट को बेतिया शहर में खोलने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे मित्रों का सहयोग और हमारे फैकल्टीज मेंबर श्री रजनीश मिश्रा जी का है जिन्होंने कहा कि सर मैं दिल्ली से बेतिया आपके पास आना चाहता हूं और यहां कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट डाला जाए जहां से बिहार के बच्चे अपने चंपारण के बच्चे अपने गांव के बच्चे जो जा करके कोटा पटना और दिल्ली में पढ़ते हैं उस कंसेप्ट को हम लोग यहां दे सकते हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी राय मुझे दी कि सर हम लोग प्री नर्चर क्लासेस से प्लस टू तक की तैयारी कराएँ आईआईटी जेई हम लोग निकाल सकते हैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास हुआ इन लोगों के बातों पर लेकिन आज मेरा विशाल पांडे जो मेरे समक्ष बैठा है यह आप सभी को दिखा रहा है कि हमारे फैकल्टी मेंबर एसके पांडे सर और रजनीश मिश्रा जी जो अपने कथक प्रयास और मेहनत करके इस बच्चे को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीकों से पढ़ाया। बीच में कोविड में हम लोगों ने बहुत सारा परेशानियों का सामना किया। यह बच्चा लैपटॉप लेकर के 24 आवर्स इसको हमने एक सजेशन दिया कि मोबाइल छोड़ दो बेटा सब कुछ निकाल सकते हो, यह पहला काम किया था अपना मोबाइल छोड़ा था। तो मैं आज भी अपने सभी क्षेत्रवासियों को यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप अपने सुपाल्य को अपने बच्चों को एक सुयोग नागरिक एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर या एजुकेटेड बनाना चाहते हैं तो एक बार आप अपने कंसेप्ट को देखें और एलेंजा से आकर के मिलें। हमारे फैकल्टी मेंबर बायो में डॉक्टर मेरे रैंक लाने के पीछे सबसे बड़ा जो जिसका योगदान है हमारे गुरुजनों का है और जो हमको प्रिपरेशन करने के लिए इस इतना एडवांस एग्ज़ाम के लिए जो हमको मोटिवेट किया इसमें हमारे एलेंजा इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर्स हैं हमको पूरा एडवांस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराए और मैंने उसके मुताबिक उस पर खड़े उतरा। मेरा तो प्राइमरी सेक्शन तो मैंने गांव से ही पढ़ा है सरकारी स्कूल से लेकिन प्राइमरी सेक्शन के बाद मैंने यहाँ पे बेतिया में दाखिल हुआ, मेरे घर का मेरा एडमिशन कराया और 10वीं क्लास के बाद मैंने यहाँ से पटना गया प्रिपरेशन करने के लिए। वहाँ मैंने एक साल लगभग मैंने प्रिपरेशन करा और वहाँ पर मैंने कुछ अपना कंसेप्ट को बिल्डअप किया लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया जिसमें एनआईटी में क्रैक किया और एडवांस मेरा मुझसे करेक्ट नहीं हो पाया, 7 मार्क्स से मैंने उस पीछे हट गया। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे जिया जी यहाँ के जो टीचर हैं एसके पांडे सर उनसे मुलाकात किया और मैंने जाकर उनसे भी भेंट किया तो उन्होंने मुझे एलेंजा इंस्टीट्यूट में लाया और यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं जैसे कि फिजिक्स के रजनीश सर हैं पाठक सर हैं यहाँ के हमको जितने भी टीचर्स हैं एडवांस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराए और मैंने उस प्रिपरेशन को करते हुए इस रैंक को हासिल किया। आज के परिवेश में मैं ऑल ओवर एक कुछ बातों में बताना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाओ कोई भी गोल अचीव कर लो लेकिन अपने अतीत को ना भूलो, अब तुम्हारा जो मूल जड़ है उसको ना भूलो। वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर हिस्ट्री और ओरिजिन और रूट्स। जब तक मैं यहाँ से कहीं कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ लगभग 1.5 महीने यहाँ पे हूँ, 1.5 महीने के अंदर मैं अपने आप को पूरा इस इंस्टीट्यूट पे इंस्टीट्यूट में रख देना चाहता हूँ और यहाँ के बच्चे हैं
बच्चे जो भी यहाँ पे कार्यरत हैं उन बच्चों को मैं बेसिक या फिर जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे उनको इस तरीके का बिल्डअप कर दूँ ताकि वो आगे के नीट या फिर जेई एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स क्वालिफाई अच्छे से कर सके। मेरा नाम विशाल पांडे पड़ेगा। घर? घर मेरा लौरिया पांडे पट्टी और नाम श्री परमात्मा पांडे पड़ेगा। R9 भारत के लिए जयकिशोर शर्मा की रिपोर्ट बेतिया से।